गुड मॉर्निंग बच्चा सार्थक, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। वो देखो ने वहाँ गिरा दिया नीचे, खाते खाते ठहरे। ये तो खुद गिरा हुआ है। तो गाइज अभी हो चुकी है हमारी गुड मॉर्निंग और हम बैठे हैं देखिए चूल्हे के पास, और मेरा आधा काम जो है वो हो चुका है, मतलब ओबरेगा मैंने कर लिया। और अभी मुझे ना फिर जाना है ओबरे में, गाय को फीड वगैरह लांबड़ वगैरह देना है, सानी करनी है, उसके बाद बनेगा मेरा खाना। मेरे पास भी है। क्या है वीडियो पॉज करो तो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राम राम जी, जय माता दी, राधे कृष्णा जी सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और देखिए अभी सुबह का खाना जो है वो बन रहा है, और खाना जो मेरा है वो बन चुका है, चपातियाँ बना रही हूँ बस अभी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने जो अपना किचन का काम होता है ना सारा कर लिया था, निपटा लिया था। उसके बाद यहाँ पे आ गई थी मैं, हमारे घर के साथ ही है ना जो छोटी छोटी खेत है, यहाँ पे आ गई थी मैं डाली लेने के लिए। तो गाय के लिए हरी डाली काट रही हूँ यहाँ पे। आज जो सारा काम है ना वो अकेले ही मैनेज करना पड़ रहा है। क्यों मैनेज करना पड़ रहा है बताऊँगी आपको। और यहाँ पे कैमरामैन बनी हुई थी अभी यहाँ पे हमारे खुशबू जी, तो आज इसको लेके आई हूँ, बहुत मिन्नतें करी इसकी तब जाके आई है। बच्चे ना वैसे हो गए, मतलब पहले बहुत शौक से आते थे कि मैं शूट करती हूँ। पहले लड़ाई झगड़ा होता था कि मेरी बारी है, मैं करूँगा। और अब जो है वो बुला बुला के करना पड़ता है इनको, बड़ी मुश्किल से आते हैं फिर भी। और अब ना सारा जो इंटरेस्ट है इनका ख़त्म हो गया है, तो वो भी इसलिए क्योंकि मैंने बोला कि मैं पेड़ में चढ़ूंगी ना तो फिर कैमरा को ऑन ऑफ कौन करेगा, बहुत ही बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आजकल हमारे ना ग्रीन फूडर के रूप में ब्यूल देते हैं पशुओं को। ब्यूल जो होता है वो गर्म भी होता है और काफ़ी अच्छा होता है, इससे ना कैल्शियम की कमी भी पूरी होती है पशुओं की, ऐसा बोलते हैं। आजकल के दिनों में ना सिर्फ एक ब्यूल ही यहाँ पे ऐसा मिलेगा आपको जिसमें पत्तियाँ हैं, अभी भी बाकी सारे पेड़ पौधे जो ऐसे हैं ना उनकी पत्तियाँ जो है झड़ जाती हैं। और बान वगैरह भी है वैसे तो, लेकिन जो पशुओं के खाने वाले हैं ना यहाँ पे, जैसे डाली पत्ती, जैसे खुमानी, पलम, हर चीज़ के पत्ते जो है झड़ चुके हैं, ब्यूल के पत्ते जो है अभी भी पेड़ में होते हैं। तो यहाँ पे काट रही हूँ मैं, और ये ना काफ़ी मुश्किल काम होता है ब्यूल को छिटना, और क्योंकि मैं ना बहुत कम काटती हूँ ब्यूल को, और मेरे पतिदेव अगर देखेंगे ना तो बोलेंगे कि क्या पेड़ काट दिया ये बेकार सा सारा, उनको पसंद ही नहीं आता। वो बोलते हैं कि सारे मतलब ढंग से छिटाई नहीं हुई है इसकी, इस तरह से बोलते हैं। मैं बहुत कम काटती हूँ, आज कोई नहीं था तो आज मैंने काट दिया, और जैसा मुझे आता है भाई वैसा मैंने काट दिया। कोई कुछ भी बोले, गाय के लिए तो कुछ ना कुछ काटना ही था। तो यहाँ पे मैं ये निकाल रही थी, और मुझे ना ऐसा लगता है कि जैसे हम काम करते हैं ना ये पेड़ में चढ़ने वाला, इससे काफ़ी ज़्यादा वो भी होता है फ्लेक्सिबिलिटी, हमारी बॉडी जो होती है ना फ्लेक्सिबल सी हो जाती है, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा वो करना पड़ता है, क्या बोलते हैं उसको, हमारा जो वेट है ना उसको बैलेंस करना पड़ता है। देखिए एक हाथ से मैं काट रही हूँ, एक हाथ से मैं डाली फेंक भी रही हूँ, तो बैलेंस करना सीखते हैं हम इसमें अपने बॉडी को बहुत ही अच्छे से, मतलब बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत भी होती है इसमें। तो किन किन के आजकल ना ये ग्रीन फूडर के रूप में ब्यूल देते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो डाली काटने के बाद दूसरा काम होता है इसको ना पेड़ में से नीचे गिराना पड़ता है। देखिए ये ना पेड़ में ही अटक जाती है कई बारी, आधी जो होती है ना, तो उसके बाद इसको पेड़ से नीचे गिरा के, और फिर कई तो छिटके देते हैं, हाँ कई ऐसे भी दे देते हैं, मतलब डंडे समेत दे देते हैं, तो जो इसके पत्तियां हैं ये पशु खा जाते हैं, और जो इसकी ये डंडियां हैं ना ये खेतों में आ जाती है काम, जैसे झम्बे वगैरह लगाते हैं ना हम, उसके लिए काम आ जाती है, मटर टमाटर के लिए। तो
देखिए गाइस, सार्थक यहाँ पे खेल रहा है, खुशी के सिर में लगाया जा रहा है तेल, और वो भी हैरानी हो रही है मुझे, अचानक अचंभा, शौर्य तेल लगा रहा है खुशी को। कैसे कैसे, जो अपने सिर में कभी तेल नहीं लगाता वो दूसरे को तेल कैसे लगा सकता है। ये है मेरा सार्थक, भी आ गया है थाली देख के। सार्थक लो पहले पानी, मैगी खाई, मैगी 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 मैगी। ये अचार है। ओहो नीचे गिर गया। टेस्टी, खट्टा लगा, खट्टा। तो चलिए भाई मैं कर लेती हूँ लंच। हाँ जी, तो अभी आई मैं शाम को। वैसे तो ना मैं दिन में खाना खुना खाया, दिन में खाना खुना खाने के बाद फिर पशुओं को अंदर बांधा, क्योंकि ना आजकल ठंड जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा, आज तो इतनी ठंड थी ना, आज बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, ऐसा लग रहा है जैसे हाइट पे ना कहीं इधर कुल्लू मनाली में या तो बर्फ बर्फ गिरी है या बारिश हुई, तभी तो इतनी ठंडी हवा चल रही थी आज दिन भर, बहुत ही ठंडी। आज धूप तो काफ़ी अच्छा था पर ना धूप का पता ही नहीं लगा, क्योंकि जब ठंडी ठंडी हवाएँ चलती है ना तो ठंडा सा धूप होता है, फिर बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। फिर पशुओं को अंदर बांध के फिर सार्थक को लगी हुई थी नींद, उसको सुलाया, उसको सुलाने के टाइम उसको ना सुलाने को 3 ही बजने वाले थे, 2:48 हो गए थे, तब 2:48 पे मैंने उसको सुलाया, और उसके बाद मैं उठी, 3:35 हो गए थे शायद। सोचना पड़ रहा है क्योंकि ना टाइम देखा तो था मैंने उस टाइम जब मैं उठी थी, मतलब सोई तो क्या ना मैं काम ही करती रहती हूँ वीडियो का, तो उस टाइम फिर सार्थक को सुला रही थी, फिर 3:30 उठी, फिर मैंने चाय बनाई। मैंने आपको बताया ना मिस्त्री लगे हुए हमारे, फिर उनको चाय दी, तो वो ना मैंने व्लॉग में नहीं किया शूट, क्योंकि शूट करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और कोई हो ना साथ में, बच्चे मेरा कोई है नहीं, आजकल सब स्कूल चले गए, और वैसे ना कोई नहीं, शुरू में सब शौक का करते भी है कि हाँ कोई कैमरामैन बन जाएगा ना, अभी कोई कैमरामैन बनने को तैयार ही नहीं होता, सब बोलते फालतू का काम, मम्मा हमारा अपना अपना काम, किसी को कुछ करना होता है, किसी को कुछ करते तो क्या है, मतलब आके टीवी देखते हैं स्कूल से आके, तो फिर लग रहा था ना डर सा मैं क्या, क्योंकि हमारे आजकल यहाँ पे ना तेंदुए का बड़ा डर हुआ हुआ है, बोलते लोग कि कभी यहाँ देखा कभी वहाँ देखा, पता नहीं सच है झूठ है, तो धैर्य, स्कूल से पैदल आता है ना तो जंगल में से आना होता है उसको भी, तो फिर उसके पापा को फ़ोन किया मैं क्या, साथ में उसको लेते हुए आना, तो फिर उसको लेते हुए आए थे, नहीं तो ना फिर लेने चल जाते हैं हम, जैसे ना आधे रास्ते को लेने चले जाते हैं, तो बड़ा ऐसा रहता है आजकल सर्दी के दिनों में ज़्यादातर होता है, क्योंकि आजकल ना शाम जल्दी हो जाती है, 5 बजे अंधेरा ही हो जाता है, तो बस उस करके उसके बाद फिर चाय वगैरह पी, फिर उतने उसके बाद मैंने सोचा कि चलिए कुछ हरा ले आती हूँ गाय के लिए, फिर हरे को गई और समदा लाई। वो भी मैंने नहीं किया कैप्चर, फ़ोन को ना मैं घर में, एक्चुअली मेरे पास पता क्या है, फ़ोन एक ही है ना, तो फिर मैं उसको चार्जिंग में लगाती हूँ ना, तो उस टाइम का जो मेरा काम व्लॉग वगैरह होता है वो रह जाता है, तो ऐसी ही एक मतलब बचपन से लेके ना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, मतलब बोलते हैं ना जिसको संघर्ष, पता नहीं कईयों की लाइफ ऐसी होती है ना कि पहले से लेके मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा आराम में ज़िंदगी बिताई होती है, और मेरा बचपन से लेके ऐसा रहा है, मतलब बचपन में तो नहीं था इतना, लेकिन 10th 12th के बाद मतलब काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं ना जिसको एक जिम्मेवारी वाला काम होता है, वैसा काम मतलब मैंने हैंडल किया है, मायके में भी ससुराल में भी, और पता नहीं ये जो संघर्ष है कब तक चलेगा, और चलिए संघर्ष तो होता ही है, सबकी लाइफ में होता है, सुबह से लेके शाम ना पता नहीं कब हो जाती है, पता ही नहीं लगता, और आराम करने के लिए टाइम नहीं होता, और अपनी केयर करने के लिए भी टाइम नहीं होता, बहुत दिन हो गया कुछ भी मैंने ना फेस पैक कुछ भी नहीं लगाया है, बहुत ही ऐसा हुआ है फेस कुछ ना रफ, और पता क्या मेरे फेस पर वो भी थोड़े थोड़े वो क्या बोलती है उसको, तिल्ली जैसी पड़ती है ना, तिल्ली को पता नहीं क्या बोलते हैं, डार्क स्पॉट्स तो नहीं बोलते होंगे उसको, मुझे ये भी नहीं पता है,
और क्योंकि मैं ना बहुत ब्यूटी प्रोडक्ट्स है ना जो वो कम यूज़ करती हूँ, तो उससे नॉलेज मिलती है कि अच्छा इस चीज़ के लिए ये है, इस चीज़ के लिए है। तो बस ऐसा ही होता है। मैं कभी तेल ही लगा लेती हूँ सिर में, अगर कुछ नहीं मिला सिर वाला तेल मुंह में लगा लेती हूँ, मतलब सरसों का तेल। आजकल सर्दियों में तिल का तेल होता है तो तिल का तेल लगा लेती हूँ, अगर क्रीम ना मिले सामने तो ऐसा होता है। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और हाँ, अगर आज किसी का जन्मदिन है या किसी की मैरिज एनिवर्सरी है तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और साथ में आप लोग प्लीज़ सजेशन ज़रूर दिया कीजिए कि हमें ये दिखाइए क्या, वो दिखाइए, मतलब विलेज लाइफ से रिलेटेड जो मेरा डेली रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और जितना हो सकता है उतना शेयर करती हूँ। अभी मतलब बच्चे छोटे भी हैं तो उस हिसाब से नहीं हो पाता, और कई बार तो पेंडिंग पेंडिंग पीछे को पड़ जाते हैं व्लॉग भी, तो फिर कई बार पुराने व्लॉग भी आते हैं। और लेकिन ऐसा नहीं है कुछ भी कि बनावटी है, जो है वो दिखाती हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशली मैं क्रिएट करती हूँ, क्योंकि रियलिटी तो वही है जो, मतलब रियल लाइफ तो ऐसी होती है हमारी, विलेज लाइफ। एक काम से आते हैं दूसरे काम में लग जाते हैं, दूसरे काम से आते हैं तीसरे काम में लग जाते हैं, दिन भर काम ही होता है बस। ऐसा स्पेशल नहीं होता हमारा कि हाँ कभी हम आराम करें। आराम तभी होता है जब गांव में कोई फंक्शन होता है, उस दिन खाना नहीं बनाना पड़ता, बस उस दिन आराम होता है, बाकी और दिन आराम नहीं होता। बल्कि आज सुबह खुशी भी यही बोलती, मम्मी आपका सबसे आराम वाला दिन वही होता होगा ना जिस दिन गाँव में कभी फंक्शन होता है। मैं क्या, हाँ सच्ची में बोला तूने, क्योंकि उस दिन ना खाना नहीं बनाना पड़ता, तो उस दिन गाय घास बस यही काम होता है, और खाना बनाने का काम उस दिन स्किप हो जाता है। तो कल भी हमने खाना मतलब वहीं से लाया था, घर में ही खाया था यहाँ पे, क्योंकि कई ऐसे हैं ना जो फिर नीचे नहीं जा सकते थे तो उन्होंने यहीं पे खाया। तो आई होप कि व्लॉग जो है ना गाइज आपको अच्छा लगा होगा, अच्छे लग रहे होंगे आजकल भी आपको व्लॉग, क्योंकि व्यूज़ जो है ना बहुत ही कम आ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, और कभी कम कभी ज़्यादा ये तो चला रहता है। और लाइक कर दिया कीजिए आप अगर आपको अच्छी लगती है मेरी वीडियोस तो, और सजेशंस भी आप दे सकते हैं, सजेशन अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं कि आप ये दिखाइए काम जैसे आजकल जो भी होता है हमारे सर्दियों में। तो चलिए बस ब्लॉग जो है मैं देख रही हूँ बहुत ही बड़ा हो जा रहा है, इतना बड़ा ब्लॉग कौन देखेगा। और बस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलूंगी आपसे फिर एक नए ब्लॉग के साथ। बाय।